जी नाज़रीन, आज हम शहजाद सोत्रा के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद सोत्रा साहब, नेशनल न्यूज़ को बताएं आज की सारा कार्रवाई क्या हो। सबसे पहले तो मैं बेहद मशकूर हूं चेयरमैन वन मैन कमीशन जनाब डॉक्टर शेख सडल साहब का कि उन्होंने खसूसी तौर पे जो हमारे बच्चों की जो चार सालों से जो अजियत में मुबतला हैं ये गंदे कुओं की वजह से, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, अपना इधर का विजिट रखा, दौरा किया, सारे एमडी बासा को बुलाया, उसके बाद एमडी एनवायरनमेंट थे, एसी साहब, पीसी साहब और जितनी भी इंतजामिया थी, पुलिस के जो थे एसपी साहब थे और जितने भी इंतजामिया थे उन सबको इधर बुलाया और उनको अहकामात दिए कि ये जो इश्यूज है ये क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा, ये बच्चे क्या ये पाकिस्तान के बच्चे नहीं है, ये बच्चे जो इतना सफर कर रहे हैं, जो हेपेटाइटिस सी में मुबतला हो रहे हैं गंदे पानी की वजह से, शोर की वजह से उनकी पढ़ाई डैमेज हो रही है, बहुत सारे बच्चों की तकरीबन 7-8 बच्चों की हेपेटाइटिस सी की वजह से जो है वो मौत भी वाकया हो चुकी है। तो शेख सडल साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, हम ये चाहेंगे कि वो उन्होंने जो दोनों पार्टीज थी जैसे कि हम स्कूल इंतजामिया की तरफ से और एनवायरनमेंट और एमडी बासा की तरफ से, वो भी सारी जो तहकीकात हैं जो सारी डॉक्यूमेंटेशन हमको सपोर्ट कर दी गई है और उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है कि दोनों पार्टीज जो है इसको देखें कि ये कैसे होना है। हमारा लेकिन हमारा वन पॉइंट एजेंडा है कि ये गंदे कुएं या इधर से रिमूव हों या इनको फिल फोर बंद किया जाए, हमारा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। तो बाकी खुदावन बेहतर करेगा, ये हमारे जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है, ये हमारी आने वाली नस्लें हैं, अगर ये इतने खुशगवार माहौल में नहीं पढ़ सकेंगे, इनको साफ शफाफ माहौल नहीं फराहम किया जा सकेगा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये फिर हमारे लिए जो है ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक नहीं होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी अच्छे माहौल में तालीम हासिल करने का हक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, आज हमारे साथ नेशनल न्यूज़ नामे के साथ चौधरी अतीक एडवोकेट साहब मौजूद हैं जो कि तमाम लीगली पॉइंट डिस्पोजल के हवाले से और वासा को डील कर रहे हैं। जी आप जो सब हमें बताएं इसके लीगली पॉइंट क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इसमें ये आपको वजाहत करना चाहूँगा कि फैसलाबाद की तारीख में इतना बड़ा स्कूल कोई और नहीं है, ये स्कूल फ्री स्कूल है जिसमें 1500 से ज़ायद बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और इसमें यतीम बच्चों के लिए रिहाइश का बंदोबस्त है, उन्हें हर चीज़ फ्री है, यहाँ तालीम भी दी जाती है, उन्हें लिबास दिया जाता है, रिहाइश दी जाती है, उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया जाता है। मैंने मुख्तलिफ दूसरे सिटीज़ में भी विजिट्स करता रहा हूँ स्कूल्स के हवाले से, लेकिन इतना बड़ा, इतने गरीब इलाके में इतनी बड़ी बिल्डिंग और इतना बड़ा रफाही इदारा मैंने नहीं देखा। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा रफाही फ्री स्कूल है जहां बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है और इसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, ये रफाही इदारा है। इस रफाही इदारे में अब हुआ क्या है, कुछ साल कबल वासा की एक नेग्लिजेंस, वासा के जो इंजीनियर्स थे उनकी नेग्लिजेंस, उसमें कुछ सियासी नासर भी शामिल थे क्योंकि स्कूल की दीवार के साथ एक खाली प्लॉट था जिसमें उन्होंने एक गंदे पानी का डिस्पोजल बना दिया जो कि इर्द गिर्द की आबादियों का गंदा पानी यहाँ ला के जमा किया जाता है, फिर इसको यहाँ से आगे ट्रांसमिट किया जाता है फर्दर दूसरी जगह पर, उसकी वजह से यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स की जो है पोल्यूशन आ गई है जिसमें नॉइज पोल्यूशन क्योंकि टर्बाइन चलती हैं अभी, दूसरी पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन, तीसरी पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन, यहाँ इस एरिए का पानी ये अल्टीमेटली सारा पानी जमीन में जाता है। यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इदारों की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, फ्रेंसिक रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, इस इलाके का पानी गंदा हो चुका है जबकि इस प्लांट को इसको लगाने के लिए गवर्नमेंट ने 8 करोड़ रुपया सेंक्शन करवाया और 8 करोड़ रुपये में ये एक गंदे पानी का तालाब नुमा कू बना दिया जो कि डीजी एंटी करप्शन साहब को भी मैं कहूंगा कि इसका नोटिस लें और इसके ऊपर कार्रवाई करें। ये जो कू बनाया गया ये 8 करोड़ रुपए की बजाय 8 लाख में बन जाना था, अगर ये बनाना भी था वो 8 करोड़ रुपए की भी मेजरमेंट की गई। अब आज यहाँ पर शुएब सदर साहब की क्यादत में कमीशन ने जो है यहाँ पे मुआयना किया,
सारे उन्होंने मामला खुद ऑब्जर्व किए, उसके ऊपर यकीनन उनकी जो कानून के मुताबिक रिपोर्ट होगी वो आएगी। इसमें ये है कि अगर उन बच्चों को जिनको ये रिफाही इदारा उनको एक खड़ा करना चाह रहा है कि वो एक वक्त के साथ इस मुल्क और कौम का कोई सुतून बने, तो अब यहाँ पर अगर इन लोगों को मौत दी जा रही है, ये स्लो पॉइजनिंग है, इट इज कॉल्ड स्लो पॉइजनिंग, ये उन बच्चों को उनकी जो जाने हैं उनको कमजोर कर रहा है। यहाँ पे स्किन डिजीजेज हैं बच्चों को, यहाँ पर दूसरे मामला हैं बहुत सारे, तो इसलिए जो है मेरी ये गुजारिश होगी कानूनी तौर पर भी, यहाँ पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो है हमारा माहौलियाती इदारा उसने रिपोर्ट दी है कि ये जो है गैर कानूनी काम हो रहा है। उन्होंने बासा का एनओसी भी कैंसिल कर दिया, पहले एनओसी उन्होंने आरसी तौर पर लिया था, इंटरम एनओसी लिया था कि हम उसके साथ साथ ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे इस डिस्पोजल स्टेशन के लिए, जो कि उन्होंने पूरी ना की, तो उनका माहौलियाती इदारे ने एनओसी भी कैंसिल कर दिया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ डिटाई बदमाशी गैर कानूनी काम जो है, तो ये कोई रूल ऑफ लॉ वाला कोई यहाँ पे कोई इसमें कोई काम ऐसा नहीं है। आज यहाँ पर जब कमीशन ने मुआयना किया तो तमाम जिले इंतजामिया यहाँ मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में लोगों की स्टेटमेंट्स भी ली गई, जो है तमाम मामलों के बाद कमीशन और जो हमने डॉक्यूमेंट्स पेश किए वो हमने वहां पेश किए इनको। अब उसकी रोशनी में यकीनन ये रिपोर्ट भी जो है, ये हर इंसान, ये कमीशन और ये रिपोर्ट तो दूर की बात है, यहाँ कोई इंसान जो 5 मिनट खड़ा हो जाए उसको ये लगता है कि वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा स्मेल है यहाँ पर, इतना ज्यादा शोर है यहाँ पर, और जमीनी पानी का गंदा हो रहा है। आपको पता है कि इस वक्त हेपेटाइटिस सी पाकिस्तान में हर 10वें आदमी को आ रहा है, और ये यहाँ पर खुद एक गंदे पानी का तालाब बना देना, क्योंकि ये एक बहुत गरीब इलाका है, इसके इर्द गिर्द 2-3 बड़ी सोसाइटियां बन गई, उन सोसाइटियों का पानी जो है वो, क्योंकि वो बासर लोग थे, वो सारा पानी यहाँ जमा कर दिया गया, तो इसलिए इसको यहाँ से फौरी रिमूव करना है। और ये जो 8 करोड़ रुपया सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया है, अगर 8 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पे लगता तो ये डिस्पोजल स्टेशन यहाँ ना बनता, इसकी ट्रैक पाइपलाइन यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पर दूसरी मेन पाइपलाइन है उसमें ट्रैक चला जाता, इसकी जरूरत ना रहती, सिर्फ मेजरमेंट करनी थी। 8 करोड़ रुपया इसे गंदे कुएं पर लगा के लोगों की जाने, बच्चों की, जिन्होंने जो बच्चे यतीम है जिनके माँ बाप नहीं है उनको ये इदारा संभाल रहा है, उनको सुतून बनाएगा, वो मुल्क के लिए काम करेंगे, तो ये उन बच्चों को जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, उन यतीम बच्चों को उनके ही बड़ों के टैक्सेस के पैसे से एम्बेजलमेंट करके उनके लिए मौत खरीदी जा रही है यहाँ पर, तो इस केस को फौरी तौर पर रिमूव करना जरूरी है। जी थैंक यू। जी नाजरीन, आज हम नेशनल न्यूज नामा के साथ, हमारे साथ सर शहजाद साहब हैं। सर शहजाद हमें बताएंगे कि जो इस्लामाबाद से डेलीगेशन आया, तफसीली ब्रीफिंग हमें आज बताएंगे। जी सर, ये दरीना मसला स्कूल का जो चल रहा है वासा के साथ, चूंकि न्यू कॉमनेंट स्कूल सिस्टम जो है जहाँ पे 1500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं, और वासा ने पिछले चंद सालों से यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर जो है डिस्पोजल स्टेशन बनाया हुआ है, तो हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर शेख शडल साहब के, जो वन मैन राइट कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने आज खुद विजिट किया है, और डीसी फैसलाबाद और डीसी सिटी साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर वासा वो यहाँ पर आए और उन्होंने साइट को जो है विजिट किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे उन्होंने सारी सिचुएशन को देखा है कि बच्चे जो हैं वो कितने मुश्किलात में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, नॉइस पोल्यूशन है और स्मेल पोल्यूशन है, और स्पेशली जो ग्राउंड वाटर है वो वासा के कुएं की वजह से वो बहुत खराब हो चुका है, और जो रहायशी जो लोग हैं यहाँ पे वो भी जो है वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, और बच्चे भी तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो बीइंग द पार्ट ऑफ न्यू कॉमनेंट स्कूल सिस्टम, आई रिक्वेस्ट टू डॉक्टर शेख शडल ह्यूमन राइट कमीशन इसके ऊपर नोटिस लें, ताकि जल्द से जल्द जो है वासा के गंदे कुएं जो है दूसरी जगह पे उसको मूव किया जाए, जो सूटेबल प्लेस है, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे एनवायरमेंट में रहकर पढ़ सके, तालीम हासिल कर सके, और चूंकि बच्चे जो है वो हमारे कौम का फ्यूचर है, और अगर हम इन पर तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो खराब होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द जो है वासा की गंदे कुओं को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चे जो है वो अच्छे माहौल में पढ़ सके।